नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। गुरुवार की रात करीब 9 बजे ईदगाह के रेलवे गेट पर श्री नव दुर्गा की झांकी निकालने के लिए रेलवे गेट बंद होने से एक घंटे तक झांकी खड़ी रही। जब बहुत देर तक गेट नहीं खुला तो झांकी में शामिल श्रद्धालुओं द्वारा रेलवे के कैबिन में ऊपर चढ़कर देखा तो ड्यूटी पर मौजूद रेलवे के कर्मचारी शराब पार्टी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। ड्यूटी के दौरान रंग रैलियां मनाते हुए कर्मचारियों से जब लोगों ने सवाल किए तो वो इधर उधर बचते नजर आए और सही जवाब नहीं दे पाए। एक कर्मचारी देवेंद्र रघुवंशी ने जरूर अकड़ दिखाते हुए कहा कि फोन लगा और कहे कि देवेंद्र रघुवंशी है जो पार्टी कर रहा है। जब बहुत देर तक गेट नहीं खुला और लोगों की एवं कर्मचारियों की बहस बढ़ गई तो वहां एक भीड़ इकट्ठा हो गई। आपको बता दें, मौके पर पहुंचने पर कुछ समझदार लोगों ने झांकी में शामिल श्रद्धालुओं को समझा बुझाकर कैबिन से वापस नीचे उतरवा लिया, लेकिन रेलवे कर्मचारियों की पार्टी बदतूर चलती रही। उनके सेहत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आपको बता दें, ईदगाह कॉलोनी तरफ के रहने वाले लोगों का कहना है कि रेलवे गेट पर ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी अक्सर रात में इसी प्रकार शराब पार्टी करते हैं और घंटों गेट बंद रखते हैं, जिससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। रेलवे विभाग द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, जिन्होंने ऐसे लापरवाह और शराबखोरी करने वाले कर्मचारियों को हटाने की मांग की है। नर्मदापुरम से खास रिपोर्ट। और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ से।